हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? फ्रेंड्स, अगर आप अपना खुद का ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करना चाहते हो तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे थीम के बारे में बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप वर्डप्रेस पे कुछ ही मिनटों में अपने ऑनलाइन कोर्सेज की एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आप ऑनलाइन कोर्सेज सेल कर सकते हो। साथ ही आप यूडेमी जैसी वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो जहाँ पे इंस्ट्रक्टर आए और आपके बनाए हुए प्लेटफॉर्म पे अपने कोर्स को लॉन्च करें। तो इस तरीके की वेबसाइट आप किस तरीके से वर्डप्रेस पे बना सकते हो, आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो, हमने वर्डप्रेस ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है अपने सर्वर पे। तो चलिए अब हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने थीम को इंस्टॉल कर लेते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो थीम इंस्टॉल करने के लिए हमें अपेयरेंस में जाना है, थीम्स पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो वर्डप्रेस के बाय डिफॉल्ट थीम आपको मिलते हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब यहाँ पे हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ अपलोड थीम पे क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें अपने थीम को इंस्टॉल कर लेना है। तो थीम इंस्टॉल करने से पहले हमें उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम थीम को डाउनलोड कर लेते हैं। तो थीम को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना है मकाज, MAKAZ। फ्रेंड्स, मकाज सर्च करने पे आपको जो फर्स्ट लिंक शो होगा makaz.in, उसको आपको ओपन कर लेना है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके भी इस वेबसाइट पे आ सकते हो। फ्रेंड्स, makaz.in पे आपको वर्डप्रेस के बहुत सारे प्लगइन्स एंड थीम बहुत ही कम रेट पे मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एलिमेंटर प्रो सिर्फ 99 रुपीज़ का मिल रहा है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे प्लगइन एंड थीम सिर्फ 99 रुपीज़ और 199 रुपीज़ में ही मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने थीम को डाउनलोड कर लेते हैं। तो थीम को डाउनलोड करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पे सर्च करना है ई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें सर्च रिजल्ट में भी एकेडमी का जो ऑप्शन है शो हो रहा है, तो इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम इस थीम को डाउनलोड करेंगे और अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इसका प्राइस 199 रुपीज़ है। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है एंड आपको इसको डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हम चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये फाइल है जो हमने डाउनलोड किया था makaz.in से। तो सबसे पहले आपको इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो जिप फाइल हमने makaz.in से डाउनलोड की थी वो एक्सट्रैक्ट हो गई है। तो अब हम इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको तीन फाइल मिलेंगे, लाइसेंसिंग, ई अकेडमी और ई अकेडमी चाइल्ड। अगर फ्रेंड्स आपको इस थीम के कोड में कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं तो आप इस चाइल्ड थीम को अभी यूज कर सकते हो, इसको इंस्टॉल कर सकते हो। हमें कुछ चेंजेस वगैरह नहीं करने हैं कोड में, तो हम सिंपली जो मेन थीम है ई अकेडमी की, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड ओपन पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी थीम जो है इंस्टॉल हो गई है, अब हम इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारी थीम जो है एक्टिवेट हो गई है। अब जब हमारी थीम एक्टिवेट हुई है तो हमें कुछ प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है जो कि इस थीम के लिए रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ पे बिगिन इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं। जब फ्रेंड्स हमने यहाँ पे क्लिक किया बिगिन इंस्टॉल प्लगइन्स में, तो अब यहाँ पे हमें ये ऑप्शंस दे रहा है कि प्लीज सेलेक्ट LMS प्लगइन विच यू वॉन्ट टू यूज़। मीन्स कि आप अपने इस थीम में किस LMS प्लगइन का यूज़ करना चाहते हैं अपने कोर्सेस को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे हमें बेसिकली तीन जो फेमस प्लगइन्स हैं वर्डप्रेस के, LMS सिस्टम एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, वो तीनों शो हो जाते हैं, ट्विटर LMS, लर्नप्रेस एंड लर्न डैश। तो ट्विटर LMS तो बेसिकली फ्री है, लर्नप्रेस भी फ्री है, लेकिन अगर आप ये लर्न डैश को यूज करते हैं तो ये प्रीमियम प्लगइन है। आपको इसको अलग से डाउनलोड करना है और उसको पहले इंस्टॉल करना है, उसके बाद ये सभी प्लगइन्स को आपको एक्टिवेट कर लेना है। तो ट्विटर LMS भी प्रो में आता है, लेकिन इसका फ्री वर्जन भी है, तो हम फ्री वर्जन ही यूज करेंगे। बाकी अगर आपको प्रो वर्जन चाहिए इनके, और लर्नडैश तो ऑलरेडी पेड ही है, अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए यहाँ पे मैं ट्विटर LMS सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा। और अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ऑप्शन आ रहा है एक्टिवेट ऑल प्लगइन्स। तो यहाँ पे हम सभी प्लगइन्स को एक्टिवेट कर लेंगे। तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया है।
और ये धीरे धीरे करके सभी प्लगइन्स को इंस्टॉल और एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे ट्विटर एलएमएस भी एक ऐड हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्विटर एलएमएस सेलेक्ट किया था। इसके अलावा अगर आप लर्न प्रेस करते तो लर्न प्रेस हो जाता। फ्रेंड्स, ये अप टू यू है कि आप किस प्लगइन से यूज टू हो, ट्विटर एलएमएस या लर्न प्रेस या लर्न डैश से। ये थोड़ा टाइम लेगा, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका टाइम बचे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे सभी प्लगइन्स जो है एक्टिवेट हो गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारी वेबसाइट किस तरीके से हमें शो हो रही है। तो यहाँ पे मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ और दूसरे टैब में पहले इस को कट कर देते हैं और इस न्यू टैब में मैं इसे पेस्ट करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जो हमारी वेबसाइट है कुछ इस तरीके से शो हो रही है। अगर आप चाहते हो खुद इसको कस्टमाइज़ करना तो आप वो भी कर सकते हो। और यहाँ पे आपको सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे प्लगइन्स वगैरह हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो एलिमेंटर भी इसमें इंस्टॉल है। आप एलिमेंटर का यूज़ करके इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, और मतलब मीन्स कि सारे रिक्वायर्ड प्लगइन्स इसमें इंस्टॉल हो गए हैं। अगर आप खुद भी चाहते हो तो इसको खुद डिज़ाइन कर सकते हो अपने हिसाब से। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप डेमो कंटेंट इंपोर्ट करके उसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको डेमो कंटेंट इंपोर्ट करके दिखाऊंगा और उसे हम कस्टमाइज़ करेंगे। तो चलिए, तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे हमें ऑप्शन भी आ गया है, क्लिक हेयर टू कंटिन्यू विद डेमो इम्पोर्ट प्रोसेस। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ये तीन ऑप्शन शो कर रहा है, लर्न प्रेस के लिए डेमो, ट्विटर एलएमएस के लिए एंड लर्न डैश के लिए। तो ऑब्वियस ही बात है, हमने ट्विटर एलएमएस चूज़ किया था तो हम इसको ही इंपोर्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। और हमें ये वार्निंग दे रहा है कि अगर आप इस डेमो को इंपोर्ट करते हो तो आपके जो पहला जो भी डाटा था वो सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपकी वेबसाइट में कुछ इंपॉर्टेंट डाटा हो तो मेक श्योर करें कि आप अपनी वेबसाइट का पहले बैकअप ले लें, उसके बाद ही डेमो कंटेंट इंपोर्ट करें। मेरी तो वेबसाइट में कुछ डाटा ऐसा था नहीं, तो मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। ये थोड़ा टाइम लेगा तो मैं यहाँ पे इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका टाइम बचे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डेमो कंटेंट है जो इम्पोर्ट हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हो, अब हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से शो हो रही है, जो कि पहले कुछ इस तरीके से हमें शो हो रही थी। तो मैं यहाँ पे इसको आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, अब हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो हो रही है। अब फ्रेंड्स, आप एलिमेंटर का यूज़ करके इसको पूरी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो, अपने नीड के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब आप यहाँ पे होम पे आओगे तो यहाँ पे आपको जो आपका होम पेज है उसके डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन यहाँ पे आपको शो होंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, वंडर सर्टिफिकेट ई ट्रेनिंग है, ऑनलाइन ट्रेनिंग स्कूल है, और डिस्टेंस लर्निंग है, लैंग्वेज स्कूल, मॉडर्न स्कूलिंग, योगा ट्रेनिंग। मीन्स कि आप इनमें से किसी कैटेगरी में वीडियो बनाते हो। लेट्स सपोज आप जिम की कोचिंग के लिए कोई कोर्स स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर आप योगा के लिए कोई कोर्स स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो उन सब के लिए आपको यहाँ पे प्री बिल्ड डिजाइंस मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं योगा ट्रेनिंग पे क्लिक करूँगा, तो इस तरीके से योगा ट्रेनिंग का होम पेज डिज़ाइन है। आपको सिंपली इस कंटेंट को अपने कंटेंट से रिप्लेस करना है और आपकी वेबसाइट रेडी। इसके अलावा फ्रेंड्स, दूसरे होम पेज के डिजाइन्स में आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे लेट सपोज आप कोई लैंग्वेज सिखाते हो, तो यहाँ पे लैंग्वेज स्कूल पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लैंग्वेज स्कूल का जो डिज़ाइन है हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। इसका यूज़ करके लेट सपोज आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सिखा रहे हो तो आप इस होम पेज का यूज़ कर सकते हो। आपको सिंपली इसको अपने नीड के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करना है और जो कंटेंट है उसको अपने कंटेंट से रिप्लेस कर देना है। तो जैसे कि इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं जैसे यहाँ पे लर्निंग मैनेजमेंट पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके का आपका लर्निंग मैनेजमेंट का होम पेज है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बहुत सारे होम पेजेस मिल जाते हैं जिसे आप अपने नीश के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हो। जिस तरीके के आप कोर्स बनाना चाहते हो उस तरीके का आप होम पेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो और उसको आप सिंपली कस्टमाइज कर लोगे अपने नीड के अकॉर्डिंगली। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो अभी बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे होम पेज है ई लर्निंग स्कूल का। फ्रेंड्स, अभी मैं बताता हूँ आप जो बाय डिफॉल्ट होम पेज है उसे आप किस तरीके से चेंज करोगे। लेट सपोज मैं यहाँ पे मॉडर्न स्कूलिंग है इसको सेलेक्ट करता हूँ, और मॉडर्न स्कूलिंग का जो होम पेज है कुछ इस तरीके से है। लेट सपोज आप वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट के कोर्सेज सेल करना चाहते हो,
तो चलिए मैं इस जो ये होम पेज है मॉडर्न स्कूलिंग, इसको मैं इसका बाय डिफॉल्ट बना देता हूँ। तो इसके लिए हम अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे चलेंगे और हमें ये कुछ एरर दिखा रहा है, वर्डप्रेस हैज़ बीन अपडेटेड, नेक्स्ट फाइनल स्टेप टू अपडेट योर डाटाबेस। तो ये हमें डाटाबेस को अपडेट करने के लिए कह रहा है क्योंकि हमने डेमो कंटेंट इंपोर्ट किया। तो यहाँ पे मैं अपडेट वर्डप्रेस डाटाबेस पे क्लिक कर देता हूँ सिंपली, और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा क्योंकि हमारा डाटाबेस जो है अपडेट हो गया सक्सेसफुली। अब फ्रेंड्स हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ गए। तो सबसे पहले जो इतने सारे नोटिफिकेशन है मैं इनको हटा देता हूँ, तो वू कॉमर्स के हैं और वू कॉमर्स का भी डाटाबेस अपडेट करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ से आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना, वो डाटाबेस अपडेट हो जाएगा। अभी के लिए मैं इन सबको ऐसे ही रहने देता हूँ और मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि आप होम पेज को किस तरीके से चेंज करोगे। तो यहाँ आपको अपेयरेंस में जाना है, मेन्यू पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप मेन्यू को कस्टमाइज कर सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू को सिलेक्ट कर लेना है और इसे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। तो देख जैसे कि आप देख सकते हो इसे, और यहाँ पे जो हमें चाहिए था वो था हमारा मॉडर्न स्कूलिंग का होम पेज। तो सभी को मैं यहाँ पे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मुझे नहीं चाहिए, और इन सबको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें ये चाहिए मॉडर्न स्कूलिंग, तो इसको मैं यहाँ पे रहने दूंगा और इन सभी को मैं सेलेक्ट कर लूँगा जो हमें नहीं चाहिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे रिमूव सिलेक्टेड आइटम पे क्लिक करूँगा। तो फ्रेंड जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है दूसरे जो होम पेजेस थे वो हट गए हैं, और जो इसका मैं नेम भी चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे मॉडर्न स्कूलिंग की जगह सिंपली यहाँ पे होम लिख देता हूँ और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड जो ये हमने चेंज किया है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं इस लोगो पे क्लिक करूँगा, तो मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो ई अकेडमी है वो हमारे यहाँ पे होम पेज शो होने लग गया है। अब फ्रेंड्स जो होम दूसरे होम पेजेस हैं वो तो हमारी वेबसाइट में अभी भी हैं, आप चाहो तो उन्हें डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको पेजेस पे जाना है, ऑल पेजेस पे क्लिक करना है, और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जो डेमो इंपोर्ट हुए हैं होम पेजेस के वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे ये देख सकते हो आप, जिम कोचिंग का डेमो, हेल्थ कोचिंग का डेमो है, इंस्ट्रक्टर, ये तो इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन का, ये ट्यूटर एलएमएस का है, बाकी सारे मिल जाएंगे। आपको इन सभी पेजेस को डिलीट कर देना क्योंकि ये आपके किसी काम के नहीं है। और तो चलिए अब हम अपनी वेबसाइट पे दोबारा चलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि जो हमने पेज सेलेक्ट किया वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट यहाँ पे नहीं है, सिर्फ हमने मेन्यू में जो एक्स्ट्रा पेजेस थे उन्हें हटा दिया। तो हम बाय डिफॉल्ट भी अपने उस पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कस्टमाइजेशन पे चाहिए, कस्टमाइजेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम होम पेज सेटिंग पे क्लिक करेंगे, और जो हमने होम पेज डिज़ाइन सेलेक्ट किया था उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे मॉडर्न स्कूलिंग का, और यहाँ पे अब हम इसे पब्लिश कर देंगे। और तो अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अब हमारा जो है जो हमने मॉडर्न स्कूलिंग का होम पेज सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे आ गया है। इसके लोगो पे क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पे हम वापस आ जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं यहाँ पे दूसरे पेजेस भी हैं जैसे अबाउट अस के लिए, और इन सब का यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हो। कोर्सेज के लिए भी हैं, सिंगल कोर्सेज, ये सारे डिज़ाइंस हैं फ्रेंड्स पेजेस के, जिसको आपको आपके नीड के अकॉर्डिंगली चेंज कर लेना है। इसके अलावा शॉप्स, प्रोडक्ट्स, ये सारे पेजेस हैं, आप इसको चेक कर लेना। और ये प्रोफाइल वगैरह यहाँ से, ये भी आप, अभी मैं आपको बताऊंगा इन सब चीज़ों को आप कैसे कस्टमाइज करोगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एलिमेंटर का यूज़ करके आप होम पेज को किस तरीके से चेंज करोगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो, हमारी वेबसाइट जो यहाँ पे एलिमेंटर में ओपन हो गई है। आपको अगर कोई टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एनीवेयर लिखा हुआ है, मैंने पे एनीवेयर कट कर दिया, और आप मैं यहाँ पे सिंपल अपडेट पे क्लिक कर दूंगा। तो हमारी वेबसाइट से जो ये एनीवेयर हमारा था वो हट गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी वो एनीवेयर जो मैंने हटाया था वो शो नहीं हो रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल है एलिमेंटर से वेबसाइट को एडिट करना। आपको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है। जैसे आप ये इमेज है इसको आप हटाना चाहते हो, तो जैसे इसे मैंने डिलीट कर दिया और ये इमेज हट गया, और इसका जो ये कॉलम है ये, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो वो जो इमेज था यहाँ से हट गया है, और मैं यहाँ पे जब अपडेट करता हूँ तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सर्कल का एनिमेशन था ये मैंने हटा दिया। तो अब मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके इसको दिखाता हूँ,
यहाँ पे वो अब शो नहीं हो रहा है। इसी के अलावा इसके साथ अगर आपको कुछ ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो देखो फ्रेंड्स कितना इजी तरीके से आप एलिमेंटर का यूज़ करके अपने इस वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको इसके दूसरे कुछ फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। तो अब हम इस वेबसाइट के डैशबोर्ड पर चलेंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स दिख रहा है आपको थीम ऑप्शन, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो थीम ऑप्शन में सबसे पहले आपको यहाँ पे लोगो चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको यहाँ से लोगो को रिमूव कर देना है और आपको जो लोगो चाहिए वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ पे प्री लोडर सेलेक्ट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट, और अगर आप चाहो तो सर डिसेबल भी कर सकते हो। प्री लोडर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देख रहे हो आप। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देख रहे हो फ्रेंड्स ये जो गोल गोल घूम रहा था वो प्री लोडर है। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे ये सर्कल स्पिन प्री लोडर सेलेक्टेड है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो, या फिर आप अपना कोई लोगो इमेज वगैरह ऐड करना चाहते हो एज अ प्री लोडर तो वो भी आप कर सकते हो इसमें। और नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे हेडर स्टाइलिंग का, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे आप हेडर को स्टाइल दे सकते हो। जैसे यहाँ पे फुल विड्थ सेलेक्टेड है तो आप कंटेनर वगैरह में ऐड कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स आप हेडर के टेक्स्ट वगैरह को भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है बैनर का, बैनर है मैं आपको दिखाता हूँ होम पेज पे। तो इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे जो बैनर है वो जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये सिंपल यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट का जो बैनर है इसको आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कोई इमेजेस वगैरह भी ऐड कर सकते हो यहाँ से। ये फ्रेंड्स बेसिक चीज़ें हैं जिसका आप यूज़ करके कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने वेबसाइट को। इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ पे सोशल प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है आपको, तो अपनी वेबसाइट पे आप सोशल नेटवर्क के लिंक्स वगैरह ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ट्विटर फेसबुक वगैरह के लिंक ऐड करने के आपको ऑप्शन मिलते हैं। फुटर को कस्टमाइज़ करने का यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है। जैसे कि यहाँ पे कॉपीराइट है, इस कॉपीराइट को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो फ्रेंड्स। और कर्सर वगैरह जैसे कि आपको मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप ये जो कर्सर है उसके साथ एक सर्कल भी घूम रहा है, तो यहाँ से आप उसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी यहाँ से डिसेबल करके इसे सेव चेंजेस पर क्लिक कर देता हूँ, तो एक बार पेज को वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स जो सर्कल था वो हट गया है, तो वो भी आप चेंज यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स स्टाइलिंग ऑप्शंस है यहाँ पे, आप इसके जो कलर को एडजस्ट कर सकते हो, प्राइमरी कलर चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे प्राइमरी कलर, ये प्राइमरी कलर है तो मैं आपको वेबसाइट पे भी दिखाता हूँ, आपको प्राइमरी कलर ये दिख रहा है तो आप यहाँ से प्राइमरी कलर भी चेंज कर सकते हो। मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ, लेट सपोज मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ और सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे और वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स जो प्राइमरी कलर है वो यहाँ पे ग्रीन हो गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सर्कल का भी ग्रीन हो गया है और ये जो आइकन्स वगैरह हैं जो सेटिंग वगैरह है वो सारी ग्रीन हो गई है। तो ये आप अपनी वेबसाइट के थीम के अकॉर्डिंग या फिर आपका जो लोगो है उसके हिसाब से भी अपनी वेबसाइट का प्राइमरी कलर चेंज कर सकते हो, हेडर का कलर चेंज कर सकते हो, मेन्यू आइटम कलर चेंज कर सकते हो, फुटर का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ईजिली कर पाओगे। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लॉग सेटिंग्स है और यहाँ पे कोर्सेज सेटिंग्स है, तो यहाँ से आप ब्लॉग सेटिंग और कोर्सेज की सेटिंग्स कर सकते हो, टाइपोग्राफी की सेटिंग कर सकते हो। एडवांस सेटिंग में आपको कुछ बता देता हूँ। यहाँ पे एडवांस सेटिंग में फ्रेंड्स अगर आप कस्टम सीएसएस का यूज़ करके अपनी वेबसाइट के डिज़ाइन को चेंज करना चाहते हो या फिर उसमें कोई एनिमेशन वगैरह ऐड करना चाहते हो जावास्क्रिप्ट कोड को ऐड करके, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो फ्रेंड्स। और यहाँ पे इसके अलावा आपको वूकॉमर्स की सेटिंग मिल जाती है, तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे शॉप है जो बाय डिफ़ॉल्ट वूकॉमर्स का है, आप यहाँ पे शॉप हटा के कोर्सेज डाल सकते हो। और इसके अलावा दूसरे जो यहाँ पे सेटिंग्स है वो आप कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स जो ये वर्क करता है वो ट्विटर एलएमएस लर्न डैश एंड लर्न प्रेस के साथ वर्क करता है, तो उसकी सेटिंग तो आपको अलग से करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे हमने ट्विटर एलएमएस इंस्टॉल किया था तो यहाँ पे ट्विटर एलएमएस में आप यहाँ से कोर्सेज वगैरह ऐड कर सकते हो। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है किस तरीके से आप ट्विटर एलएमएस का यूज़ करके कोर्सेज वगैरह ऐड कर सकते हो, तो उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा, तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको सिंपली इस थीम का ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आप बहुत ही कम टाइम पे अपने लिए अपने कोर्सेज को सेल करने के लिए वेबसाइट बना सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी आप पेजेस देख रहे हो, जैसे ये अबाउट अस वन का पेज है तो ये देख सकते हो आप इस तरीके से, इन सभी को आप एलिमेंटर का यूज़ करके डिज़ाइन कर सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंगली। तो चलिए अब हम दूसरे पेजेस को भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये कोर्सेज का पेज है, तो यहाँ पे आप जो भी कोर्स क्रिएट करोगे आपके यूज़र को शो होंगे। और इसके अलावा दूसरे हैं जैसे सिंगल कोर्स है, अगर आप कोई आपकी वेबसाइट पे एक ही कोर्स है जो आप सेल कर रहे हो जो आपका है,
तो इस तरीके से आप उस कोर्स को भी शो करवा सकते हो। बेसिकली ये जो डिज़ाइन है ये ट्विटर LMS का है। और इसके अलावा फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट का जो यहाँ पे पेज है इसको भी आप अपने नीड के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ कर सकते हो। नीड के अकॉर्डिंगली मीन्स कि आपका यहाँ पे आपको सिंपल जो कंटेंट चेंज करना है, यहाँ पे एड्रेस में आपको अपना एड्रेस डाल देना है, ईमेल आईडी वगैरह आपको अपनी चेंज कर देनी है और बस आपकी वेबसाइट रेडी। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया था कि थीम जो फुटर है किस तरीके से चेंज होगा। थीम ऑप्शन में आपको इसको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा फुटर पे जाके, यहाँ से आप फुटर को चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे फुटर के जो 4 कॉलम्स हैं तो फ्रेंड्स जो कॉलम्स हैं विजिट्स हैं बेसिकली, तो इस इन फुटर के कॉलम्स को दिखाता हूँ मैं आपको। जो ये फुटर का जो कंटेंट है ये जैसे कि आप देख सकते हो ये विजिट्स हैं। आपको सिंपली इनको चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको अपेयरेंस में जाना है एंड विजिट्स पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो फुटर विजिट्स का ऑप्शन है, तो वो जो कंटेंट है फ्रेंड्स यहाँ से आ रहा है और यहाँ से फ्रेंड्स आप अपने फुटर का जो कंटेंट है चेंज कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं इस तरीके की वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।